इस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को भी दबाएं सबसे पहले वीडियो पाने के लिए, और हमें और ज़्यादा वीडियो बनाने का उत्साह मिलेगा, इस लाइक को भी दबाएं हमारी वीडियो अच्छी लगे तो। दोस्तों, मैं पंकज दवानिया आज आपके लाए हूँ ये पार्ट टू। पार्ट में पहला गिर चुका हूँ और इसमें मैंने दिखाए थे कि रेजिस्टेंस में कैसे तार जोड़ते हैं और रेजिस्टेंस के तार कहाँ लगते हैं, वोल्टेज जब ज़्यादा होते तो उसे कम कैसे करने होते हैं, और जब रेजिस्टेंस लगी रहती है तो कम वोल्टेज होते हैं तो उसे ज़्यादा कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, और इससे पिछली वीडियो में कनेक्शन दिखाए थे हमने, प्लेट कैसे लगाते हैं, थोकते कैसे हैं, सेटिंग कैसे बिठाते हैं। तो ये देखें, ये बोर्ड है, तो जो हम आए हैं तो यहाँ डीजे का काम है इनका, तो डीजे का सेट का बोर्ड है, तो इस पर इनका ट्रिप लगा हुआ है, हम अपने मीटर से भी दिखाएंगे। तो ये देखें, हम आपको टेस्टिंग दिखाते हैं अपने मीटर से भी, और उनके मीटर में कितने वोल्टेज हैं आप देखें। जनरेटर अब स्टार्ट करते हैं भैया, और स्टार्ट करने के बाद आपको पता चलेगा कितने वोल्टेज बना रहा है, उसके बाद फिर हम कम करेंगे। तो देखते हैं, तो देखें दोस्तों, वोल्टेज थोड़े कम है, तो हम रेजिस्टेंस को और कम करेंगे, मतलब कि जो दूसरा तार लग रहा है ऊपर वाला उसके तरफ थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, और उसके बाद हम चेक करते हैं कि कितने वोल्टेज बना रहा है। और जो आपको वोल्टेज इसमें कम लगते हैं तो इसे और नीचे कम करना पड़ेगा, पास में लाना पड़ेगा दोनों को, और जो दूर करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अब दोबारा स्टार्ट करके चेक करके देखते हैं। तो देखें, 230-234 के करीब बना रहा है, तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से लगा, और वोल्टेज घट रहे हैं बढ़ रहे हैं। तो ऊपर की बारीक फील्ड में हमने इसके तार जोड़े हैं रेजिस्टेंस के, जो नीले दोनों ऊपर निकाले हैं, डायोड में जो तार लग रहे थे बारीक फील्ड के उसमें हमने निकाल के लगाए हैं। तो दोबारा स्टार्ट करके हम वोल्टेज कम ज़्यादा थोड़े बहुत आप कर सकते हो, इंजन से भी स्पीड कम ज़्यादा करके थोड़ा बहुत कर सकते हो, चाहो तो रेजिस्टेंस भी कर सकते हो। तो अब देख सकते हैं हमारे वोल्टेज कितने हैं, ये देखें 226-27 के करीब आ रहे हैं इसमें, और हम मीटर में भी दिखाते हैं। अब ये स्पीड एक बार सेट कर लेते हैं, स्पीड से भी सेट करके देख लो आप, स्पीड से भी कम ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपने देखें कि किस तरीके से हमारे वोल्टेज कम और ज़्यादा हो रहे हैं, और इसके कनेक्शन किस तरीके से हुए हैं सिर्फ लिंक के, सॉरी रेजिस्टेंस के। तो हम स्प्रिंग को टाइट करेंगे तो हमारा इंजन की जो वोल्टेज हैं बढ़ जाएंगे, तो देखिए रेस बढ़ेगी, वोल्टेज भी बढ़ जाते हैं, यहीं से हमारे फ्रिक्वेंसी भी बढ़ती है, ठीक है जी। स्प्रिंग को टाइट करने से ही फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से, और हम आपको और सेटिंग करके दिखाते हैं। वीडियो अच्छी लग रही तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें।